ये देखिए, ये है स्टेथोस्कोप और इससे अपनी बाइक आज ठीक होने वाली है, यानी चेकिंग होने वाली है। तो स्टेथोस्कोप आप लोग अपनी बाइक में लगवाते हैं कि नहीं लगवाते हैं? एक छोटी सी थ्रोटल बॉडी के चक्कर में पूरी गाड़ी को खोल दिया, पूरा डिसेंबल कर दिया, पता नहीं ये कैसे बनेगी यार, मुझे टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक की सर्विस कराने, जो कि 21,000 किलोमीटर चल चुकी है लद्दाख ट्रिप के बाद में। और बाइक जैसे कि 20,000 पे मेजर सर्विस होती है, तो देखते हैं कि बाइक में क्या क्या चीज़ें चेंजेस आ गई हैं और क्या क्या जो उसके पार्ट्स हैं जो चेंज होने वाले हैं सर्विस पे। और इस बार जो है ना, मैं सोच रहा हूँ अपनी बाइक को पूरा ब्रांड न्यू कर दूँ, तो बहुत सारे पार्ट्स मैं चेंज कराने वाला हूँ। क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता है कि लद्दाख ट्रिप पे इस बार बाइक मेरी कई बार गिरी है, तो कुछ कुछ जो वेयर एंड टीयर हुआ वो सारी चीज़ें इस बार मैं बदलवाऊंगा और पूरी बाइक को नया करवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि 20,000 किलोमीटर पे यानी 21,000 किलोमीटर पे बाइक चलने के बाद कितना मोटा खर्चा आता है। आई थिंक मोटा खर्चा आने वाला है, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि बाइक में बहुत कुछ चेंज कराना है और सब कुछ ब्रांड न्यू कर देना है, फिर से अपनी बाइक को एकदम नया करना है और उसके बाद दोबारा से ट्रिप पे लेके चलना है। तो चलिए, आज है दिन सैटरडे, मैं बाइक को अपने सर्विस स्टेशन पे दे दूंगा और मेरे ख्याल से उसको रिपेयर होने में, उसको पूरी सर्विस होने में एक हफ्ता तो एटलीस्ट लग जाएगा, क्योंकि हिमालयन के पार्ट्स जो है वो शोरूम पे सारे अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इस वजह से। तो चलिए चलते हैं और बाइक को आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ उसमें दिक्कत आई, क्या क्या चेंजेस होने हैं, क्या क्या काम होना है, फिर मैं आपको लास्ट में पूरा बिल के साथ में बताऊंगा कि कितना खर्चा मेरा आया। चलिए चलते हैं शोरूम। तो भाई लोग, बाइक अपनी खड़ी हो चुकी है पहले नंबर रैंप पे, तो चलिए उसके पास जा करके देखते हैं कि क्या क्या काम स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले अपनी बाइक का चैन स्पॉकेट चेंज हुआ है, तो उसका ये है 2500 रुपये का न्यू चैन स्पॉकेट आता है 2500 का, और ये रही चेन। और जो स्पॉकेट है पिछला वाला वो लग चुका है, और ये रहा पुराना वाला। आप देख सकते हैं इसके टीथ जो हैं, जिसके दांत पूरी तरीके से घिस चुके हैं। और नए वाले की भी मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ ज़रा एक बार फिर से। तो ये देख सकते हैं एकदम ब्रांड न्यू ज़बरदस्त लग गया है और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी गाड़ी की। और ये आपके यहाँ पर चेन जो है फिटिंग करी जा रही है प्रॉपर तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि हिमालयन की चेन कितनी ज़्यादा बड़ी आती है और कितनी ज़्यादा लेंदी होती है। तो अभी अपनी बाइक में एयर फिल्टर चेंज हो गया है, चेन स्पॉकेट चेंज हो गया, अब ये हैंड ग्रिप चेंज होने वाली है, तो ये सब खुला पड़ा है। अपनी बाइक का सेकेंड डे है सर्विस का, और आज अपनी बाइक में कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे जो हेड टेक्नीशियन है वो आज छुट्टी पर है, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो होप्स हो कि कल काम होगा। और कल जो हुआ था वो ये चैन स्पॉकेट चेंज हुआ था, बाकी इंजन ऑयल वगैरह चेंज हो चुका है। तो अभी हैंडल का काम और थ्रॉटल बॉडी का काम बाकी है, वो शायद कल से स्टार्ट होगा। तो आज अपनी बाइक की सर्विस का, तो दोस्तों बेयरिंग का काम हो चुका है और अब शॉकर के गेटर्स चेंज हो रहे हैं, यानी शॉकर के जो कवर होते हैं रबड़ कवर वो चेंज हो रहे हैं। और ये एक साइड का 248 रुपये का होता है, यानी दोनों साइड के 400 के समथिंग होते हैं, और ये शॉकर को प्रोटेक्ट करते हैं डस्ट वगैरह से, तो इसको भी मैं चेंज करा रहा हूँ। तो यहाँ पर थ्रोटल बॉडी खोलने का प्रोसेस चालू हो चुका है, और बहुत ज़्यादा तामझाम करना पड़ रहा है, पूरा बैटरी वैटरी सब रिमूव हुआ है और पूरी गाड़ी खुली हुई है इस वक्त। तो ये देख सकते हैं कि थ्रोटल बॉडी खोली जा रही है, पूरा का पूरा जो है बाइक को खोल रखा है, और ये अंदर का व्यू है। देख सकते हैं कि इंजन के चैम्बर में कितना ज़्यादा कार्बन है, जिसकी वजह से पिकअप बिल्कुल नहीं था, तो इसलिए इसको खोल कर क्लीन करा जाएगा। और आप अभी की कंडीशन देख लीजिए कैसी है। तो देख सकते हैं आप कि ये है अपनी थ्रोटल बॉडी बिफोर क्लीनिंग, और ये जो लुक आ रहा है ये आफ्टर क्लीनिंग है, तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। सो दोस्तों, ये अपनी बाइक आ चुकी है सर्विस सेंटर से, तो उसके बाद का मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, क्योंकि बाइक लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज संडे राइड पे मैं बाइक को टेस्ट करने के लिए लेकर के आया हूँ। बाइक बहुत अच्छी चल रही है, कोई भी कमी नहीं है, पिकअप वगैरह सब अच्छा है, बस थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी कमियाँ हैं जिनको एक बार और दिखा दूँगा तो वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। और बाइक का जो टोटल कॉस्ट आया वो ऑलमोस्ट 10,000 के करीब आया, क्योंकि इसका चैन स्पॉकेट सेट चेंज हुआ है, पीछे के रबर चेंज हुए हैं,
और आगे के रबर चेंज हुए हैं, आपका टेपर बैरिंग चेंज हुई है, और भी छोटी छोटी कई सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। ऑलमोस्ट न्यू हो चुकी है बाइक पूरी तरीके से। और ये आगे मैंने हैंड गार्ड भी रॉयल इनफील्ड के ओरिजिनल लगवा लिया है, पहले जो बागबस्टर थे उनको हटा करके। तो आप कमेंट में बताइएगा कि ये कैसे लग रहे हैं आपको। बाइक का लुक बहुत अच्छा है, बाइक बहुत स्मूथ चल रही है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, ख़ास तौर से हिमालयन ओनर के लिए, कि 20,000 किलोमीटर में क्या क्या चीज़ें बाइक में चेंज करना ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा है, सर्विस का एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर करा अपनी वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अपनी संडे राइड को कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं फिर किसी तरह इसी तरह के किसी वीडियोज़ में। और अब बहुत जल्दी एक नई ट्रिप दोबारा से हम लोग प्लान करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद द हिम्बल व्लॉग्स। ओके, बाय बाय।